आज मैं आपके लिए ला दिया हूँ फिर से एक वीडियो, जो कि ये वीडियो है सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर। तो दोस्तों कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए मैंने अब डाली है, तो देखते हैं। चलिए, तो सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर वीडियो डालनी चाहिए थी मुझे लगा, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर डाली। तो चलिए पहले आज सॉफ्ट पेस्टल पहले देख लेते हैं कौन से यूज़ करते हैं, कौन से हमें करना चाहिए बिगनर्स को। एक तो ये, जैसे कि मैंने इसका डिटेल रिव्यू आपको दिया ही है, 36 सॉफ्ट पेस्टल ब्राइट स्मूथ कलर्स के ये सॉफ्ट पेस्टल हैं, एक कैमल के हैं, ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। तो इसका मैंने रिव्यू आपको डिटेल में दिया ही है, तभी भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको उसको यहाँ पे एक शीट मिलती है, इसको हटाने पे आपको यहाँ पे अपने ब्राइट सॉफ्ट पेस्टल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लाइटर से डार्कर की शेड पे हमें पूरे मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कलर आपको मिल जाएंगे, इसमें हर तरह के ग्रीन, हर तरह का आपको मिल जाएगा। इसमें एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इसको बहुत अच्छे से रखा गया है और सब इसके कलर प्रीव्यूज बहुत अच्छे हैं, ऐसे करने से लग जाएंगे आपके हाथ पे, इसलिए ये पेपर पे बहुत अच्छा चलेगा। तो दोस्तों सबसे ब्राइट कलर ये रहा, जैसे कि ये काफ़ी अच्छे कलर हैं और ये गिरने से टूट जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। देखिए मेरे काफ़ी सारे टूटे भी हैं। तो दोस्तों ये है हमारे सॉफ्ट पेस्टल, तो इनमें हम टेस्टिंग करेंगे कुछ पेपर के ऊपर। तो अगर आपको सॉफ्ट पेस्टल पेपर भी एक आते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किस पेपर पे आपको ड्राइंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक चार्ट पेपर का पीस लिया हूँ। चार्ट पेपर तो आप जानते होंगे, एक साइड उसकी स्मूथ होती है, एक उसकी रफ़ साइड होती है। जैसे कि ये रफ़, मैं यहाँ पे एक स्मूथ मोड़ लेता हूँ, इससे आपको दोनों तरफ टेस्टिंग करके दिखा सकूँ। दोस्तों अभी हम अपने स्टूडियो में नहीं है, अभी मैं नीचे बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा, ये नहीं कि आपको चार्ट पेपर है, अगर चाहें तो आप चार्ट पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमें सॉफ्ट पेस्टल को कहाँ पे शेडिंग करनी चाहिए और मैं इनके ये जो कोने हैं ये क्यों दिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और हमें रफ़ पेपर ख़रीदना चाहिए इनके लिए या फिर स्मूथ पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। अगर आपको और कोई डिटेल में वीडियो चाहिए सॉफ्ट पेस्टल या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लाइट कलर लेंगे, जैसे कि येलो। ये है हमारा रफ पेपर और ये है स्मूथ पेपर, दोस्तों देख सकते हैं येलो। तो चलिए एक बार हम इसमें ट्राई करते हैं, इसको जो हमें ऐसे लेटा के करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो रफ पेपर भी हमारा अच्छा कर रहा है, अब एक बार स्मूथ पेपर पे करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, रफ और स्मूथ पे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है 19-20 का है, बस एक फ़र्क है कि मैंने जब इसमें इसको जब ऐसे ऐसे रगड़ा तो ये जो है मुझे पावर लगानी पड़ रही थी, लेकिन जब स्मूथ पेपर में मैंने किया तो ये बहुत ही स्मूथ चल रहा था, मुझे एक भी पावर नहीं लगानी पड़ी। तो चलिए ब्लेंड करके देखते हैं। तो ब्लेंड करने के लिए आपकी फिंगर्स सही होनी चाहिए, तभी अच्छे से ब्लेंड होगा। तो दोस्तों ब्लेंड करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंड करने के लिए कोई टिश्यू पेपर, ऑयल पेस्टल की जैसे ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी फिंगर चाहिए। तो फिंगर पे दोस्तों यहाँ पहले हम इसको ब्लेंड करके देखते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों को पास से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी डॉट डॉट का आया है इफ़ेक्ट। और दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें बिल्कुल ही स्मूथ इसमें आया है दोस्तों, इसमें डॉट डॉट काफ़ी पड़ गए हैं और इसमें स्मूथ आया है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। आप जानते होंगे सॉफ्ट पेस्टल को जब हम ऐसे से करते हैं तो ये फैलने लग जाते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात होती है, इसीलिए हम इनको कुछ वाटर कलर जैसा इफ़ेक्ट भी दे देते हैं। दोस्तों तो देख सकते हैं मेरे फिंगर पे इस तरह हो गया है, फिंगर प्रिंट मेरे दिखने लग गए हैं। तो दोस्तों अब जो है, अब हम ये उंगली का यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी फिंगर का यूज़ करेंगे। जो है सॉफ्ट है स्मूथ पेपर पर हम ये
ट्राई कर रहे हैं स्मूथ पेपर में, मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है और ज़्यादा फैल भी नहीं रहा है, आपके पोर्ट्रेट्स के लिए काफ़ी अच्छा कलर मैच हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि ये इस तरह के दोनों आपके पास रिज़ल्ट आ ही गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप ये रिज़ल्ट, इसमें जो है अभी भी डॉट डॉट है, तो इससे आपकी पोर्ट्रेट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ आपको सॉफ्ट पेस्टल देते हैं, ये है दोनों का कलर, इससे मैंने कलर किया अभी। तो अब चलिए मैं इसमें कुछ कोई कलर मिक्स करके देखते हैं, तो चलिए ग्रीन कलर मिक्स करते हैं जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं मिक्स कर पाते हैं कि नहीं सॉफ्ट पेस्टल्स, थोड़ा सा हम उसके आगे लेके जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे स्मूथ एरिया पे चला रहा हूँ, थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा। दोस्तों स्मूथ पेपर पे कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत इजीली हो जाता है और एक बार पे ही आपका बहुत ज़्यादा डार्क चल जाता है। अब एक बार हम इसमें थोड़ा काम में ताकत लगानी पड़ती है, इससे हमें सॉफ्ट पेस्टल के टूटने के डर रहते हैं। देखा दोस्तों दोनों में मैंने कर दिया है, और देखिए इसका थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आ रहा है और इसका थोड़ा लाइट आ रहा है। दोस्तों दोनों का सेम ही है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इधर से लाइट पड़ रही है इसलिए इसकी शेडो आ रही है। तो दोस्तों पहले ब्लेंड करते हैं, तो पहले हम इसे ब्लेंड करेंगे, पहले हमारी फिंगर जो है, अब दो फिंगर से हमें येलो किया था तो अब हम इससे करेंगे ब्लेंड, क्योंकि जिसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। और दोस्तों आपको स्मूथ पेपर अगर यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, नहीं तो उसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता, इसलिए हमें लाइट, आप उसको जितनी बार भी ब्लेंड करना चाहें, बार बार उंगली अपनी लगा सकते हैं, पर उसको एक ही बार आपको ब्लेंड करना है, मतलब एक ही बार थोड़ी सी ताकत लगा के आपको करना है ब्लेंड। देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, चलिए लास्ट ट्राई करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रफ पेपर है वो ज़्यादा अच्छे से इसका वो लेता है ब्लेंड करने का, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादातर, तो कोई डिफरेंस नहीं, स्मूथ पेपर ही मेरे हिसाब से आप लें। स्मूथ पेपर में आपको जब अगर अच्छे से आपके कलर चलेंगे तो ही आपको कुछ अच्छा रहेगा। तो आप चलिए मैम इनके वो बता देते हैं कि आप कैसे इनको किस साइड पे कैसे चलाते हैं, और ये इनकी जो चार साइड दी जाती हैं किस लिए दी जाती हैं। तो मैं बिल्कुल नुकीले वाले पार्ट लेता हूँ, जैसे कि ये घिस गए हैं तो मैं दूसरा ले लेता हूँ आपको बिल्कुल से अच्छे से समझाने के लिए। देखिए नुकीला है दोस्तों, पहले ये है रफ पेपर और स्मूथ पेपर में दोनों में ट्राई करेंगे। तो दोस्तों जो ये इसके जो ये रहते हैं शार्प जो कोने रहते हैं, हमें 8 साइड मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले मैं कोने का बता देता हूँ, कोने को आप इस तरह रख के लाइनें खींच सकते हैं, देखा दोस्तों आपने, इसके ऊपर से भी खींच सकते हैं, ये कुछ अलग ही कलर। लेकिन अगर आप रफ में खींच रहे हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा डॉट डॉट हो जा रहा है, और अगर स्मूथ में खींचते हैं तो दोस्तों क्या होगा, काफ़ी स्मूथ चल रहा है और काफ़ी अच्छे चल रहा है, और अगर कलर कर ब्लेंड करके इसमें खींचा जाए तो इस तरह। दोस्तों हमें ये, हमें तो इन कोने का मतलब पता चल गया, तो लेकिन जो ये इनकी लाइनें होती हैं ये किस लिए होती हैं, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खींचना है, ऐसे भी खींच सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा बहुत मोटा इफेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने इससे काफ़ी सारा खींचा तो देखिए इधर से इस तरह हो गया, लेकिन तब भी ये काम करेगा दोस्तों। तो आपको मैं इसीलिए मैंने पर्पल यूज़ किया, तो अब देखिए दोस्तों अब इधर साइड से यूज़ करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों जो ये होता है इस पार्ट को पूरा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए। देखा दोस्तों आपने यहाँ पे टू लाइंस होगा, ये तो आपका ऐसा ही है, और इधर पे भी इसी तरह आप रफ़ पेपर में भी करते हैं। देखा दोस्तों रफ़ पेपर में जैसे किसी ने प्रिंट किया हो तो रफ़ पेपर में ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट आया। अगर हम बीच के एरिया ब्लेंड कर देते हैं तो
इस तरह का हमें इफेक्ट मिलेगा। और इधर भी ब्लेंड करके देखते हैं तो किसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो ब्लेंडिंग के मामले तो हमारा रफ पेपर काफ़ी जल्दी ब्लेंड कर देता है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट्स बनानी है, सिंपल पोर्ट्रेट्स फ़ोटो वगैरह, तो जैसे कि इसमें एक सॉफ्ट पेस्टल के बॉक्स में बनी ही हुई हैं, आप देख सकते हैं ये। तो अगर आपको इस तरह की कोई पोर्ट्रेट्स बनानी है तो आप यूज़ करिए हमारा ये स्मूथ पेपर, आप रफ पेपर नहीं यूज़ करिए। अगर आपको रफ पेपर यूज़ कर रहा है, जैसे कि आपको इस तरह की कुछ पेंटिंग्स बनानी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन टाइप की, ह्यूमंस वगैरह की, तो आप रफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मूथ ही करिए। स्मूथ से आपको ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। तो दोस्तों अब जो है मैंने आपको ये और ये और ये कोने की साइड आपको बता दी है, तो आप फ्रंट साइड से, बिल्कुल फ्रंट साइड से आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देख सकते हैं, ये आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपको आई बनानी है तो आप इस तरह किसी तरह की भी आई बना सकते हैं। तो दोस्तों यही सब है हमारी इस वीडियो में, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपको ये सॉफ्ट पेपर पेस्टल अच्छे रहते हैं तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों इसका प्राइस मैं भी इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 345 प्राइस है। अगर आप इसे अमेज़ॉन वगैरह से मंगाते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज भी इसका देना पड़ेगा। वैसे ये दुकान वगैरह में भी इजीली मिल जाता है, इस वजह से आप दुकान से ही बाय कीजिए। अमेज़ॉन पे काफ़ी ज़्यादा आपको रेट मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक पोर्ट्रेट दिखा देता हूँ जो कि मैंने कमीशन वर्क में कर रहा था। ये रहा वो, अभी ये पूरा नहीं, उसमें ब्लेंडिंग करनी है अभी, मैंने बस रखा है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, तो इसी तरह का आपको एक टाइम लैप्स वीडियो में, अगर मैं सॉफ्ट पेस्टल से कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको एक टाइम लैप्स वीडियो ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को इसी तरह हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर इसको ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कुछ ट्रिक्स, और अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तो